नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AR Academy में। एक बार फिर से हम एग्रीकल्चर बाय SR कांता सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने 5 पार्ट डिस्कस कर लिया है, जिसमें 125 क्वेश्चन तक हमने बात की है। ये पार्ट 6 है, इसमें 126 से 151 नंबर के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जहाँ भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इस बुक में एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का संकलन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ढेर सारे वीडियो इसी तरह आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कैलिब्रेटेड डिवाइस फॉर मेजरिंग द फ्लो ऑफ वाटर इन ओपन कंडक्ट इज नोन एज। देखिए, ऐसी डिवाइस जो ओपन कंडक्ट मतलब खुली नाली में वाटर फ्लो को नाप सके, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? पार्सल फ्लूम है, ये इसका एक इमेज है, कुछ इस तरीके से होता है। इसे नाली में रख देते हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मीटर दिख रहा होगा, इस मीटर के थ्रू आप कैलकुलेशन करके इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप आंसर क्या है? पार्सल फ्लूम। अगला क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ वाटर टेबल इज नोन एज। यानी कि भूमिगत जल स्तर जो है उसे नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं पेजोमीटर। ठीक है, भूम जल स्तर को नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, उसे पेजोमीटर बोलते हैं। क्लियर है? ओडोमीटर का मतलब क्या होता है? जो आप गाड़ियों में देखेंगे मीटर लगा होता है, उसे क्या बोलते हैं? ओडोमीटर बोलते हैं। और इवेपोरीमीटर क्या होता है? इवेपोरेशन की रेट को जो मेजर करता है, उसे क्या बोलते हैं? इवेपोरीमीटर बोलते हैं। और लाइसीमीटर मतलब परकुलेशन और लीचिंग से होने वाले लॉस को जो मेजर करता है, उसे क्या बोलते हैं? लाइसीमीटर बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? पेजोमीटर। अगला क्वेश्चन है, द सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज, यानी कि संकर मक्का की बीज दर कितनी होती है? 20 से 25 किलोग्राम। संकर मक्का की बीज दर कितनी होती है? 20 से 25 किलोग्राम, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बॉटनिकल नेम ऑफ रागी, यानी कि रागी का बॉटनिकल नेम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? एल्यूसिन कोरिकाना। ठीक है, एल्यूसिन कोरिकाना है। और इकाइनोक्लोवा फ्रमेंटेसी ये किसका है? ये सांवा का है। सांवा आपने सुना होगा, ये सांवा का है। और पेनिकम मिलेशियम ये किसका है? ये है चेना का। ठीक है, चेना, चना नहीं बोल रहे हैं, चेना बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ बंगाल ग्राम। बंगाल ग्राम का मोस्ट सीरियस पेस्ट कौन सा है? बंगाल ग्राम मतलब चना। तो इसका सबसे सीरियस पेस्ट क्या होता है? पॉड बोरर, फली बेधक। आप ये इमेज देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, पॉड बोरर इसी को बोलते हैं। ठीक है, जो फली में छेद करके दानों को खा जाता है। अगला, द ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट ऑफ ग्राउंड नट, यानी कि मूंगफली में तेल और तेल और प्रोटीन का प्रतिशत, यानी कि वसा और प्रोटीन का प्रतिशत बताना है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो पहले क्या लिखा ऑयल, तो पहले ऑयल वो बताना है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे बी और सी ऑप्शन में तो 26-45 दिया है, और यहाँ पर 45-26, इसी में गलत हो सकता है। ठीक है, तो ऑयल कितना होता है? 45 होता है। प्रोटीन कितना होता है? 26 होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 45-26। तो मूँगफली में तेल और प्रोटीन का प्रतिशत कितना है? 45 और 26%। ठीक है, अगला, रेजिंग ऑफ क्रॉप विद द लीस्ट टिलेज ऑपरेशन इज कॉल्ड। देखो, लीस्ट का मतलब अगर आप समझ जाएंगे, लीस्ट का मतलब क्या होता है? मिनिमम। ठीक है, तो आपका ये आंसर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन दिख रहा होगा, मिनिमम टिलेज इसे बोलते हैं, जहाँ पर लीस्ट टिलेज ऑपरेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? मिनिमम टिलेज बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडिया इज फुली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? आयात होता है। आयात होता है इम्पोर्ट का मतलब। आयात का मतलब क्या होगा? कि जब हम कोई चीज़ किसी दूसरे देश से
मंगाते हैं और हमारे देश में अगर उसकी कमी रहती है हम उसे दूसरे देश से मंगाते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, आयात बोला जाता है, इम्पोर्ट बोला जाता है। तो ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र है जो भारत दूसरे देशों से आयात करता है, तो क्या है, पोटेशिक फर्टिलाइज़र, यानी कि पोटास से संबंधित जो फर्टिलाइज़र हैं वो भारत दूसरे देशों से आयात करता है। इसके बाद नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी एम्स द ग्रोथ रेट, यानी कि भारत की जो कृषि नेशनल यानी कि राष्ट्रीय कृषि नीति है उसके अनुसार एग्रीकल्चर में कितनी ग्रोथ होनी चाहिए, यानी कि उसका लक्ष्य क्या है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, मोर देन 4% पर एनम, यानी कि प्रतिवर्ष। क्लियर है। अगला, विच इज द लीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट, प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक उत्पादन करता है, यानी कि लीड करता है, लीडिंग स्टेट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, गुजरात। ठीक है, गुजरात मोस्ट लीडिंग स्टेट है आपका इंडिया का ग्राउंडनट में, ग्राउंडनट प्रोडक्शन में। ठीक है, अगला, रिमोट सेंसिंग हेल्प्स इन स्टडिंग, यानी कि जो रिमोट सेंसिंग होता है वो किस चीज़ की स्टडी करने में मदद करता है। ऑप्शन आपके हैं क्रॉप एरिया, सॉइल कैरेक्टर्स, अंडरग्राउंड वाटर। तो रिमोट सेंसिंग के द्वारा तीनों चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं। जैसे क्रॉप एरिया मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए टोटल इंडिया की भूमि है तो इसमें कितने क्षेत्रफल में फसल उगाई गई है, इसे हम रिमोट सेंसिंग के द्वारा पता कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये इसमें उगाया गया, इसमें इसमें उगाया गया, ये खाली है। ठीक है, तो ये रिमोट सेंसिंग के द्वारा पता चल सकता है, सॉयल करेक्टर्स भी पता चल जाता है और अंडरग्राउंड वाटर भी इससे पता लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है। चलिए अगला, सनफ्लावर एक्ट एज एन इंडिकेटर प्लांट टू डायग्नोज द डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि जो सनफ्लावर का पौधा होता है वो किसकी डिफिशियंसी के लिए एक इंडिकेटर का काम करता है, तो ये क्या है, बोरान। इसका करेक्ट आंसर क्या है, बोरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट कंसीडर्ड एज फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट, तो निम्न से कौन सा एलिमेंट है जो फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया जाता है। चार ऑप्शन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है और जिंक है। तो आपको पता होगा यहाँ पर कार्बन क्या है, इसे फर्टिलाइजर एलिमेंट या फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट कंसीडर नहीं किया जाता है। क्लियर है। अगला, द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन मूंग बीन इज नोन एज, यानी कि मूंग बीन में जो जर्मिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, वो कौन सा टाइप का जर्मिनेशन होता है। ऑप्शन है इपीजियल, हाइपोजियल, हाइपो इपीजियल या फिर इपी हाइपोजियल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इपीजियल। इपीजियल को समझ लेते हैं, देखिए इस चित्र में देखेंगे तो जब आप सीड को जमीन के अंदर डाल दिए, ठीक है, अगर ये सीड का जो कॉटिलीडंस है ये जमीन के ऊपर आ जाए, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ये जमीन के ऊपर आ जाए तो इसे बोलते हैं इपीजियल। ठीक है, लेकिन जब ये जमीन के अंदर ही रह जाए, आपका पौधा निकल गया और यहाँ पर देख रहे हैं जमीन के अंदर ही रह गया, तो इसे क्या बोलते हैं, हाइपोजियल। क्या आपको कॉन्सेप्ट हमेशा मन में याद रखना है, दिमाग में याद रखना है, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इपीजियल होगा तो जमीन के अंदर, सॉरी जमीन के बाहर निकल आएगा कॉटिलीडंस, और हाइपोजियल होगा तो जमीन के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो मूंग बीन में कौन सा होगा, इपीजियल। अगला है, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन, यानी कि सोयाबीन की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है। चार ऑप्शन है, राइजोबियम फैसियोली, राइजोबियम ग्लेसिकम, राइजोबियम जपोनिकम और राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, राइजोबियम जैपोनिकम। ठीक है, राइजोबियम जैपोनिकम के द्वारा सोयाबीन की फसल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन या स्थिरीकरण होता है। ठीक है, अगला, सिसमम बिलोंग्स टू द फैमिली, यानी कि सिसमम जो तिल होता है उसकी फैमिली क्या है, ठीक है, किस कुल से संबंधित है वो। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, पेडालियेसी। ठीक है, सिसमम की फैमिली क्या है, पेडालियेसी। ठीक है,
अगला, फ्लूक्लोरिलिन कैन बी यूज्ड इन सोयाबीन एज। देखिए ये एक हर्बिसाइड है फ्लूक्लोरिलिन, ये सोयाबीन में किस तरीके से यूज किया जाता है, प्री इमरजेंस या फिर पोस्ट इमरजेंस या फिर प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, आपको तीनों में से बताना है या फिर ये कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो फ्लूक्लोरिलिन होता है वो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड है, यानी कि जो मुख्य फसल है यानी कि जो सोयाबीन है उसकी प्लांटिंग के पहले ही ये खेत में मिला दिया जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी, ठीक है। अगला, टॉपिंग ऑफ सेफ्लावर प्लांट इज बेनिफिशियल, यानी कि जो सेफ्लावर में टॉपिंग की क्रिया की जाती है वो किन चीज़ों में बेनिफिशियल है या फिर किस चीज़ में बेनिफिशियल है, उपयोगी है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है टू रिड्यूस लॉगिंग, दूसरा टू प्रमोट ब्रांचिंग एंड फ्लावरिंग, तीसरा टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी है, टू प्रमोट ब्रांचिंग एंड फ्लावरिंग, यानी कि सेफ्लावर में जब हम टॉपिंग करते हैं तो उसमें अधिक ब्रांचें होती हैं और अधिक ब्रांचों की वजह से अधिक फूल भी निकलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला, डिलिंटिंग ऑफ कॉटन सीड में बी डन विथ, देखिए जैसे आप ये कॉटन सीड है मान लीजिए, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, ऊपर ऐसे रुई के या कॉटन के रेशे लगे होते हैं, ठीक है, इन्हीं को हटाना क्या बोला जाता है, डिलिंटिंग बोला जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा ये ऊपर के रेशे जो हैं कॉटन में इसे हटाया जाता है और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डीलिंटिंग बोला जाता है, क्लियर है। चलिए अगला, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर फॉर कॉटन हैज एस्टिमेटेड एज, यानी कि कॉटन की अगर आप खेती कर रहे हैं तो उसमें एक उपयुक्त जो प्लांट की पॉपुलेशन होनी चाहिए, यानी कि पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर खेत में कॉटन के कितने पौधे होते हैं उसे आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, 50,000 से 80,000 पौधे, ठीक है। अगला, द इंसेक्ट वॉलवर्म इज कॉमनली फाउंड इन, जो वॉलवर्म इंसेक्ट होता है वो कॉमनली किस फसल में पाया जाता है, तो आपने एक सुना होगा कॉटन, कॉटन में लगता है कि पिंक वॉलवर्म या फिर कॉटन का गुलाबी कीड़ा, तो आपको ये दिमाग में रखना, कॉटन का गुलाबी कीड़ा, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। वॉलवर्म क्यों, क्योंकि जो कॉटन होता है वो एक बॉल में बंद होता है, ठीक है, ऐसे बंद होता है, फिर जब ये पकता तो ये खुल जाता है, ठीक है, ये ऐसे खुल जाता है और इसी में कॉटन हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जो वॉलवर्म होता है ये इसी को डैमेज करता है और पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉटन, ये इंसेक्ट वॉलवर्म किस में पाया जाता है, कॉटन। अगला, स्टोमेटा क्लोजिंग कैन बी इंड्यूस्ड बाई, यानी कि जो पत्तियों में स्टोमेटा होता है उसकी क्लोजिंग को, यानी कि देखिए जो कोई पत्ती है उसमें ट्रांसपायरेशन रेट को कम करने के लिए उसके स्टोमेटो को बंद कर दिया जाता है किसी भी तरीके से, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा क्लोजिंग। तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है, ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, काओलिन, लिंसिड ऑयल, 2,4-D या फिर PMA। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या है, PMA। ये क्या करता है, अगर इसे पत्तियों पर लगाते हैं तो स्टोमेटा को क्लोज करता है और ट्रांसपायरेशन रेट से जो लॉस होता है वाटर का वो कम हो जाता है, क्लियर है। चलिए अगला, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ मेज फ्रॉम इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि सिंचाई की दृष्टि से अगर देखें एक मक्के की फसल में तो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज क्या होती है वो आपको बताना है। आपका ऑप्शन है सिल्किंग स्टेज, टिसलिंग स्टेज, बूट स्टेज या फिर डो स्टेज, ठीक है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, टिसलिंग स्टेज। टिसलिंग किसे बोलते हैं, देखिए ये जो मेल पोर्शन होता है मेज के फसल में, मेल पोर्शन, इसे को क्या बोलते हैं, टेसल बोलते हैं, और इसके निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, टेसलिंग बोलते हैं, यानी कि जब मक्के के पौधे में ये पार्ट निकलने लगे वो स्टेज क्या होती है, टेसलिंग स्टेज होती है, और यही मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होता है
मक्के में सिंचाई की दृष्टि से, ठीक है, मतलब इस समय सिंचाई अवश्य होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला, रिलेशनशिप बिटवीन वाटर एंड फर्टिलाइजर एज प्रोडक्शन फैक्टर इन क्रॉप इज, यानी कि पानी और फर्टिलाइजर में एक क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कैसा रिलेशन होता है। तो आपके चार ऑप्शन है, एडिटिव, सिनर्जेटिक, एंटागोनिस्टिक या फिर नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, सिनर्जेटिक मतलब सहयोगी, यानी कि अगर आप खेत में फर्टिलाइजर दे रहे हैं, किसी फसल में फर्टिलाइजर दे रहे हैं और उसमें नमी बिल्कुल नहीं है तो वो पौधों के द्वारा ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप फर्टिलाइजर दिए हैं और उसमें पानी भी दे दिए तो क्या हुआ, ये सहायक की भूमिका करता है, फिर ये सहयोगी की भूमिका में आ जाता है पानी फर्टिलाइजर के साथ, ठीक है। इसके बाद अगला, ग्रोइंग ऑफ कोकोनट, ब्लैक पेपर एंड जिंजर साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड इज कॉल्ड, यानी कि कोकोनट और काली मिर्च और अदरक, इसे एक ही खेत में एक साथ उगाना, ये क्या कहलाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, रिले क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग या फिर मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग। देखिए, मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग किसे बोलते हैं, जब एक ही खेत में विभिन्न ऊंचाई वाले पौधे, अलग अलग पौधों को एक साथ उगाया जाता है। आप देखेंगे कॉटन सबसे बड़ा, उसके बाद ब्लैक पेपर उससे छोटा और जिंजर उससे भी छोटा, तो ये तीनों एक साथ एक ही खेत में लिया जाता है, इसकी खेती की जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टीवेंसन स्क्रीन इज रिलेटेड टू, देखिए आपको ये फोटो दिख रही होगी, स्टीवेंसन स्क्रीन इसी को बोलते हैं, तो ये रिलेटेड टू किससे है, बैक्टीरियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रोमेट्रोलॉजी या फिर रिमोट सेंसिंग। तो ये क्या है, एग्रोमेट्रोलॉजी से रिलेटेड है। इसका यूज क्या होता है स्टीवेंसन स्क्रीन का, इसमें जैसे थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर ऐसे यंत्र इसके अंदर रखे जाते हैं। फ़ायदा क्या होता है इससे, डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन होता है जो उससे बचाता है, या फिर डायरेक्ट सनलाइट से उसे सुरक्षित रखता है, और ऐसे ये डिजाइन किया जाता है कि इसमें हवा आराम से आती जाती रहे, तो इसका यूज ये होता है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, एग्रो मेट्रोलॉजी, स्टीवेंसन स्क्रीन रिलेटेड टू एग्रो मेट्रोलॉजी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।